Hello students, I again welcome you on my YouTube channel Law Business Guru, and today we'll discuss about the CA Inter Corporate and Other Law paper pattern and syllabus. कि सर CA Inter के paper में किस तरह से questions आते हैं corporate and other law में, उसके बारे में बताइए और उसका क्या syllabus है. सबसे पहले बात करते हैं जो इसका अपना paper है उसका नाम है corporate and other law, जो 100 marks का paper होगा. Basically ये paper दो part में बटा हुआ है, corporate law and other law. Corporate law 60 marks का रहता है और other law 40 marks का रहता है. Corporate law में अपने total जो sections है वो 141 से लगाकर 148 जो सेक्शन से वो कंपनीज एक्ट 2013 के एप्लीकेबल है, सेक्शन नंबर 1 से लगाकर 148. उसके बाद इसमें टोटल कितने चैप्टर्स है सर? 10 चैप्टर्स है. पहला चैप्टर डेफिनेशन, जिसके बारे में अपने को एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है, 2 से 3 नंबर की डेफिनेशंस पूछी जाती है. उसके बाद आता है कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है. नेक्स्ट प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, कितने तरह का प्रॉस्पेक्टस होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, शेयर किस तरह से अलॉट करते हैं, उसके बारे में यहां डिस्कशन किया गया. शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शेयर कैपिटल और पब्लिक डिपॉजिट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक डिविडेंड करके भी एक चैप्टर है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. शेयर कैपिटल में अपन पढ़ते हैं बायबैक क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन होता है. नेक्स्ट आता है डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये आपको पता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा, उससे रिलेटेड प्रोविजंस है. उसके बाद आता है चार्जेस, चार्जेस क्या होता है, चार्जेस का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग यहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टाइप्स ऑफ चार्ज, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज. नेक्स्ट आता है मीटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल मीटिंग, जिसमें 20-22 सेक्शंस है. एनुअल रिटर्न, डिविडेंड अच्छा चैप्टर है, दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं डिविडेंड से. अकाउंट्स चैप्टर, जिसमें आप पढ़ते हो सीएसआर वगैरह क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखने हैं. और नेक्स्ट आता है ऑडिट चैप्टर, जो आखिरी चैप्टर रहेगा कॉर्पोरेट लॉ का. और कॉर्पोरेट लॉ बेसिकली सेक्शन 1 से लगाकर 148 तक कंपनीज एक्ट 2013 के कवर करता है. अब बात करते हैं सर अदर लॉ की. अदर लॉ में कितने टॉपिक्स है, क्या है, कितने चैप्टर है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. अदर लॉ का जो अपना चैप्टर अदर लॉ जो अपना रहेगा उसमें टोटल 4 चैप्टर है. कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर. सबसे पहले आता है इंडेमनिटी गारंटी एजेंसी बेलमेंट प्लेज. अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, उसका जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें 5 टॉपिक्स कवर है, इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज और एजेंसी कवर है, जो सारे टॉपिक्स इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर में दिए हुए हैं. नेक्स्ट आता है जनरल क्लॉजेस एक्ट. क्या आता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट. ये चैप्टर कितने नंबर का है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कि आगे जनरल क्लॉजेस एक्ट कितने नंबर का आता है. बेसिकली ये 6 से 7 नंबर का आता है एग्जाम में, और ये प्योर थ्योरी, जिसमें अपने को लॉ की लैंग्वेज लिखनी होती है. नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. इंटरप्रिटेशन जो ये हमें सिखाता है कि आपको लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है, लॉ को कैसे पढ़ना है, इसका भी अपने को एग्जाम में जो आंसर्स लिखने प्योर लॉ की लैंग्वेज में लिखने होंगे. नेक्स्ट आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक बड़ा चैप्टर है, जो अपने को जिसमें बेसिकली अपन पढ़ते हैं चेक्स वगैरह के बारे में, सारा डिस्कशन रहता है इसमें. तो बेसिकली अपने को टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 10 चैप्टर तो अपने कॉर्पोरेट लॉ के हो गए, और 40 मार्क्स के लिए अपने को 4 चैप्टर पढ़ने हैं. ये अपना 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहा. अब सर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूं. अब सर इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं. बेसिकली जो आपका ये पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा. कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स का पेपर होगा. अब 100 मार्क्स के पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे. कितने क्वेश्चंस आएंगे? 6 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे. अब क्वेश्चन जो फर्स्ट होता है ना वो कंपलसरी होता है. क्या होता है? कंपलसरी, हर स्टूडेंट को करना कंपलसरी. जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से अपने को एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. मतलब क्वेश्चन फर्स्ट तो सबको करना है, और क्वेश्चन 2 से 6 लगाकर जो भी क्वेश्चन है उसमें अपने को कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. सर सारे क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये सारे जो क्वेश्चंस है 5 और 6, सारे क्वेश्चंस 20-20 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में. कितने मार्क्स के आएंगे? 20-20 मार्क्स के रहेंगे. 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और अपने को अटेम्प्ट कितने करने हैं? 6 में से कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो 100 मार्क्स के लिए अपने हो जाएंगे. सर पेपर में इस बार क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे? बेसिकली जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा. 70% जो पेपर रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, और 30% पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा. 70 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव रहेगा, और 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, जो पहली बार में अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है. अब सर सब्जेक्टिव पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे? 40% रहेगा केस स्टडी, और 30% रहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन. मतलब 40% तो आपके केस स्टडीज डाल देंगे कंपनी और अदर कंपनी लॉ और अदर लॉ में, और 30% आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस डालेंगे. और जो 30% जो नेक्स्ट रहा वो आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सर कितने नंबर के आएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के आएंगे. 1 मार्क्स के 12-15 क्वेश्चंस आ जाएंगे, और 2 मार्क्स के 8-7-8 क्वेश्चंस रहेंगे, जो 30 मार्क्स कवर करेंगे. और जो ये ऑब्जेक्टिव चॉइस है ये पहली बार हो रहा है क्या? यस, ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पहली बार एग्जाम में आएंगे. ये किस बेसिस पे होंगे? नॉलेज बेसिस. ये पूरा नॉलेज बेस रहेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये कि इसमें कोई नेगेटिव
नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अपन आराम से जय माता दी 1 2 3 4 में से जो बढ़िया लगे वो अपन कर सकते हैं। तो सर पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए इसको? पास होने के लिए 40 चाहिए। अब सर सब्जेक्टिव पेपर जो 70 मार्क्स का है और ऑब्जेक्टिव कितना है? 30 मार्क्स का, और पास होने के लिए 40 चाहिए। तो सर 40 चाहिए तो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, उसमें से आराम से 20 22 25 मार्क्स तो अपन स्कोर कर लेंगे, और बाकी के मार्क्स अपन सब्जेक्टिव में 70 मार्क्स का ऑफकोर्स पेपर है तो कुछ तो पढ़ के जाएंगे तो 20 30 तो आ ही जाएंगे। तो सर पास होना थोड़ा सा ईजी हो गया। सर इसके लिए कौन सी बुक रेफर करनी है और क्या करना चाहिए अपने को? कुछ नहीं, बेसिकली जो इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, आईसीआई का जो मॉड्यूल है, अपने को वो रेफर करना है। मॉड्यूल्स में से ही जो एग्जांपल्स है उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए मॉक टेस्ट वगैरह इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता रहता है पूरे पेपर्स के लिए सारे, तो वहां से लेने। और मॉक टेस्ट पेपर तो करना ही करना है, साथ में अपने को जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंस्टीट्यूट ने हमें कुछ प्रोवाइड किए हैं तो हमें वो भी सॉल्व करके जाना है। और सर पेपर में किस तरह के और क्वेश्चंस रहेंगे? बेसिकली केस स्टडी रहेगा सारा, 40% केस स्टडी, 30% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 30% डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो ये पूरा एक पेपर पैटर्न है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का। कौन सी बुक रेफर करनी है? इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बेस्ट है, उसमें से ही थ्योरी पढ़िए, उसमें से ही अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी उसमें से सॉल्व कीजिए, और जो नेट पे अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की तरफ से वो अपने को सॉल्व करने, और सारे एग्जांपल्स भी मॉड्यूल से ही करके जाइए क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस उसमें से पूछ लिया जाता है। अब सर इसमें अपने को और को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? सर केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है? केस स्टडी सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, अपने को क्या करना है, सबसे पहले प्रोविजन लिखना है। कोई भी केस पूछते ना तो उसका प्रोविजन लिख लीजिए, और प्रोविजन में अगर अपन सेक्शन लिखते तो और अच्छी बात है कि सर एज पर दिस सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दिस प्रोविजन जो भी है वो लिखना है। सबसे पहले ब्लैक पेन से अच्छे से प्रोविजन लिखिए, प्रोविजन लिखने के बाद केस के बारे में लिखिए, जो आपका केस दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखिए। वो लिखने के बाद लास्ट में अपने को लिखना होता है कंक्लूजन। क्या लिखना होता है? कंक्लूजन। सर प्रोविजन ये बोलता है, केस ये बोलता है, और अल्टीमेटली मैं कंक्लूड इस बात से, इस केस से ये कंक्लूजन देता हूं। तो केस स्टडी इस तरह से सॉल्व करनी है अपने को। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।